Okay, today we will start with AOD, application of derivative. Application of derivative में पहले हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. रुशिल इतना लेट क्यों? वेटिंग रूम में था, फिर लीव किया, फिर ऑफिस जॉइन किया, तब आया होगा शायद. क्या था, क्या हुआ? पहले से ट्राई करो ना, 5 मिनट पहले से ट्राई करा करो. सर मैं 5 सर मैं 7 बजे इंटर करके रखा था, फिर आप इंटर नहीं कर रहे थे और ना मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, तो मैंने वापस कनेक्ट किया फिर आया. सर वेटिंग रूम में तो मुझे कोई नजर नहीं है कहीं पे, पता नहीं सर क्या हुआ. और होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मैंने आपको भेजा नहीं कर रखा है, मैं अभी मम्मी के फोन से भेज. सबका एक ही आंसर हो रहा है सबका, तब आपस में सलाह कर रखे हो क्या? सब सर, आपको, सर अभी भेजूं या फिर क्लास के बाद भेजूं, जैसा आप बोलो सर. क्लास के बाद भेज दो, नहीं तो मैं ग्रुप पे नाम डाल दूंगा. अगर मुझे 10 बजे तक होमवर्क नहीं मिला तो फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा स्पेशल नाम. ये सर जितना करा है उतना भेज दो ना, मतलब ड्यू डेट आज की है, आज तक की होमवर्क के लिए बोला था ना कि वो होमवर्क, आज तो दूसरा होमवर्क दूंगा टेंजेंट नॉर्मल का. ओके सर. ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल. सबसे पहले हम कुछ बेसिक थिंग स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं. स्लोप क्या होता है? स्लोप या इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. स्लोप ऑफ ए लाइन जैसे देखो, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लिख सकते हैं अ लाइन मेक्स द एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन. एक मिनट, सर वीर तो बाहर गए शायद. कहीं बाहर कहाँ गया? इंडिया से बाहर? सर घूमने गया शायद. नहीं, घूमने कहाँ गया, इंडिया से बाहर या इंडिया में? सर इंडिया में ही होगा. एक सेकंड से लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं.
इफ दिस एंगल इज थीटा सर। हाँ सर लिख रहा हूँ सर, थोड़ा ऊपर कर दो। ये ऊपर तो यही है स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। एप्लीकेशन है ना, यस एप्लीकेशन वाला चैप्टर है ना। हाँ एप्लीकेशन वाले चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके सर। चैप्टर का नाम है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लाइन मेक द एंगल, मेक्स द एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल एफ। और एक फॉर्मूला तो होता है स्लोप निकालने के लिए, एम इक्वल टू टेन थीटा। इससे स्लोप निकालते हैं जो 11th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर कोई एक लाइन दे रखी है और उसका पॉइंट सपोज करो एक्स वन वाई वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स, या ऐसे लिख लो m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसमें दो पॉइंट होगा, एक एक्स वन वाई वन एक एक्स टू वाई टू। तो व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन यू कैन फाइंड द स्लोप यूजिंग दिस फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक फॉर्मूला ये हो गया व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, ये तो वो केस में व्हेन एंगल इज गिवन। दूसरा इस केस में व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। फॉर्मूला वगैरह लिख लेना क्योंकि इस चीज की जरूरत है। और तीसरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब लाइन के फॉर्म में इक्वेशन है ये इस तरह का, ये c, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तीनों फॉर्मूला स्लोप निकालने के लिए। थर्ड वाला कब यूज करेंगे? थर्ड वाला यूज करेंगे जब कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा है, जैसे सपोज करो ऐसे दे रखा है 2x plus 3y equal to 5, इसका स्लोप निकालो। तो पहले इस लाइन को इस फॉर्म में लिखो 3y equal to minus 2x plus 5, तो y equal to minus 2x by 3 plus 5 by 3। तो x का कोई अब इसे कंपेयर करो, x का जो कोफिशियंट है दैट इज स्लोप, यहाँ x का कोफिशियंट है माइनस टू बाई थ्री, तो m इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ये स्लोप आ गया। ओके यस सर। सर m जो है वो स्लोप है। हाँ m इनिशियली लिखा है, m नोटेड बाय स्मॉल m, m इज द स्लोप। ओके सर। एंड सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x क्या है y क्या है और c क्या है? c कांस्टेंट है और x और y कोई भी पॉइंट है, ये x y कोई पॉइंट है और c कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या मतलब? जैसे ये कांस्टेंट यहाँ पे है ना 5। यस सर। तो देखो एक तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, बाकी मैंने ये लाइन लिखा 2x plus 3y equal to 5, तो इसमें 2 क्या है x का कोफिशिएंट है, 3y का कोफिशिएंट और 5 क्या है कांस्टेंट। तो ये जो 5 है दिस इज कॉल्ड c। तो सर ये ग्राफ में कहाँ दे रखा है? ग्राफ में ये जो वैल्यू है ना जहाँ y एक्सिस और 0 और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको मैंने c लिखा ना, इसको c बोलते हैं। तो डिस्टेंस हो गया ना ये? हाँ x एक्सिस से इस लाइन का डिस्टेंस y एक्सिस, तो दैट इज कॉल्ड c। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है जब लाइन दे रखा होगा तो x का कोफिशिएंट क्या है। इस पहले तो लाइन को इस फॉर्म में लिखना, उसके बाद x का जो भी कोफिशिएंट है वो m होगा, स्लोप होगा, राइट? यस सर। तो m हमने कहा स्लोप, m इक्वल टू।
नाउ इफ एम वन इक्वल टू एम टू, अगर दो लाइन दे रखा हो या दो स्लोप दे रखा हो, दो लाइन से दो स्लोप निकाल लेंगे, और इफ एम वन इक्वल टू एम टू देन लाइन्स आर पैरेलल, इफ एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है इतना एवरीवन? यस सर। ओके यस सर। अब देखो, अब एक्चुअल में टेंजेंट और नॉर्मल की बात करते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, सपोज दिस इज वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, ये दिस इज ए फंक्शन, ये कोई कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई किसी भी टाइप का कर्व। अब टेंजेंट क्या होता है, अगर इसमें टेंजेंट ड्रॉ करे, टेंजेंट मीन्स अ लाइन टच द कर्व एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ये जो टच करता है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, ये टेंजेंट। यू नो अ लाइन टच द कर्व एट अ पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, जैसे कोई ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लो, y इक्वल टू एक्स, कोई भी एक ग्राफ है, तो अगर सपोज करो इस फॉर्म में ग्राफ है कैसा भी, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, ओके सर। और नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब इन्हीं दोनों का हमें इक्वेशन वगैरह चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले स्लोप, अब यहाँ डिफरेंशियल के फॉर्म पे बात करेंगे स्लोप की, तो पहला स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन है, जैसे ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने एक्स वन वाई वन कह दिया, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? या तो मुझे थीटा दिया होता ये एंगल, तो ठीक है थीटा तो यहाँ दे नहीं रखा है, ये पॉइंट है, तो हम इस फॉर्मूले से, डिफरेंशियल के फॉर्मूले से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन इक्वल टू dy by dx at x1 y1, which पहले फंक्शन का जो दे रखा उसका dy by dx निकालो, डिफ्रेंशिएट कर दो, और उसमें जो x आएगा x के बदले ये x1 पुट कर देंगे। बेसिकली y1 की जरूरत तो नहीं है स्लोप में, क्योंकि x एक्सिस के साथ मैंने बताया, तो हमें सिर्फ x1 की वैल्यू पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और पॉइंट से 2, 3, ये इक्वेशन है, और इसने कहा है कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, पॉइंट है 2, 3, पॉइंट 2, 3 मीन्स दिस इज x1 दिस इज y1, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy by dx, इसको हम कहेंगे स्लोप, दैट इज m, इस क्या होगा इसका डिफरेंशियल? टू, तो फिर तो इसमें पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा स्लोप आ जाएगा। ऐसा करो इसको 2x स्क्वायर कर दो, तो अब ये आ गया 4x, यस सर, dy dx आ गया 4x, बट हमें निकालना है dy by dx at 2, तो 4 into 2
इक्वल टू एट, एट आंसर आ गया, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। सर एक और बार वापस बताना, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग स्लोप ऑफ ए टेंजेंट निकालना होगा, इट मीन्स हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकाल के जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है उसको एक्स के बदले पुट कर, दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सर टेंजेंट की वैल्यू दे रखी होगी, ये एक्स ये पॉइंट दे रखा होगा ना, एक एक लाइन का इक्वेशन होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया ऐसे क्वेश्चन होगा, y इक्वल टू कोई भी लाइन का इक्वेशन 2x² + 3 और एट किस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिया होगा, ओके। तो फॉर्मूला होता है dy by dx एट x1 y1, तो क्योंकि हमें स्लोप x1 से मतलब है स्लोप का, तो सिर्फ हमें x1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 नहीं पुट कर दी, तो dy by dx एट 2 इज 8, राइट। सर एक बार डायग्राम बता दो। ये डायग्राम है, डायग्राम देखो, डायग्राम मैंने कहा कोई एक फंक्शन है, ये इस तरह का कोई भी ये फंक्शन ले लो, ये फंक्शन, ओके। अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो ये फंक्शन ऐसे हो सकता है, तो y इक्वल टू x² का ये ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे अब ये कहता है इसका स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के लिए क्या, अभी मैंने स्लोप क्या होता है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप के लिए हमें जरूरी है एक टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस लाइन को कहीं ना कहीं ये टच करेगा और एक्स एक्सिस के साथ ये मिल जाएगा। तो या तो मैंने स्लोप का बताया थीटा मुझे दिया होता तो मैं थीटा से निकालता, अब यहाँ पे थीटा नहीं दिया होगा, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा x1 y1, लेकिन इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हमें पता है, तो जो टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट विल बी, जो भी फॉर्मूला लिखा है dy by dx एट x एंड y1, x1 y1, ओके, या dy by dx एट x1। सर फिर इक्वेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे mx + c, x प्लस सी वो तो दूसरा है ना, वो तो y इक्वल टू mx + c कोई लाइन का इक्वेशन, ये तो मैंने रैंडमली, अगर ये वाला दिया होता लाइन अगर सीधा होता ऐसे, तब तो हम सीधा वैसे फॉर्मूला लगा लेते y इक्वल टू mx + c से निकाल देते, या ऐसे दिया है तो निकाल देते, लेकिन ये कर्व तो, ये तो जनरल इक्वेशन बताया, कर्व तो कैसे भी हो सकता है, ये लाइन, ये जो फॉर्मूला बताया ये सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन के लिए है y इक्वल टू mx + c, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो कोई भी कैसा भी हो सकता है, ऐसे कर्व हो सकता है फिर ऐसे कर्व हो, किसी टाइप का कर्व हो सकता है, इसी द जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला, ओके। यस सर, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो दूसरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं, पहले तो स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन की बात बाद में करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज या तो लिख दो -1/m या -1/dy/dx एट x1 y, इस पहले स्लोप निकाल लो m की वैल्यू और -1/m कर दो, m को नीचे कर दो, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, अभी तो बताया नॉर्मल इस पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर, जहां पे टेंजेंट है इस पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये नॉर्मल इसको बोलते हैं, अच्छा, अलाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, अलाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट कॉल्ड नॉर्मल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा -dx/dy, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m, ये ज्यादा ठीक है क्योंकि dy/dx हमें निकालना ही है, वो m और इसको नीचे कर दो,
हो गया स्लोप ऑफ डॉट। पहले इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखेंगे और अच्छी तरह से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव एट 1 1। वन वन में हमें निकालना है, तो ये इसमें तो y इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू के फॉर्म में है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन dy by dx इसी में से आएगा। तो इक्वेशन इज गिवन x square plus dy plus y square equal to 5। कैसे डिफ्रेंशिएट करो इसको, बोलो क्या आएगा? अब dy by dx यहाँ पे निकालो, 2x को पहले उधर ले जाओ, dy by dx प्लस 2y dy by dx इक्वल टू माइनस 2x। तो dy by dx कॉमन, t प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस 2x 3 प्लस 2y। ये जो पॉइंट है इस केस में x इक्वल टू 1, ये x है ये y है, तो इसमें दोनों की वैल्यू पुट करने की जरूरत है, y की, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m व्हिच इज इक्वल टू dy by dx एट 1 1। तो मैं वैल्यू डाल दूंगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1, हो गया माइनस 2 बाय 5। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी को कोई डाउट? एनीवन? अम्मा क्लियर है? यस सर। ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ना, तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, डीवाई डी एक्स करेंगे सॉल्व। ये कैसे पता स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? पर इक्वेशन है बस। कैसे पता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन का तो है ही नहीं। डिग्री जो वेरिएबल है उसका 1 होना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का कैसे हो? यस सर, ठीक है, समझ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट का मैं निकाल ही चुका हूँ m, तो दैट इज माइनस 1 अपॉन m, तो माइनस और 1 अपॉन माइनस 2 बाई 5, ये उल्टा कर देंगे, माइनस माइनस को कैंसिल, 5 बाई 2। Okay, now the next question. Show that the tangent to the curve y equal to
टू एक्स क्यू माइनस थ्री एट द पॉइंट अक्षत। ये इसका भी होमवर्क दूंगा, ये नहीं सोचना कि ये मेरे पेपर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंशिएट ही करना है, तो इसको भी साथ साथ होमवर्क में करना है। ओके ओके सर। एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू आर पैरेलल, क्या करेंगे इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, एक बार x इक्वल टू टू पुट करना है, एक बार x इक्वल टू माइनस टू पुट करना है, और दोनों इक्वल आना चाहिए तभी पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन इज गिवन y इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, अक्षत कितना आएगा, ये जल्दी बोलो, अब इतना छोटा नहीं बताओगे तो फिर क्या करते हो, डिफरेंशियल क्या होगा इसका 2x क्यू का सर, 3x स्क्वायर सर मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से, फिक्स x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ फिक्स x स्क्वायर और 3 का 0, हाँ तो फिर अभी इतना ही होगा राइट, यस सर। ओके अब हमें दो पॉइंट पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, इसको मैंने सपोज एम वन कहा, तो दैट मीन सिक्स इंटू टू का स्क्वायर 24। अब एम टू को ले लो, डी वाई बाई डी एक्स एट माइनस टू, सिक्स इंटू माइनस टू का स्क्वायर, ये भी 24। तो इस केस में क्या है, एम वन इक्वल टू एम टू, हियर एम वन इक्वल टू एम टू, देयर फोर लाइंस आर पैरेलल, हमें ये शो करना था। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट बोला है तो टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल। कोई डाउट सर, अगर इसमें रहता सो दैट द वो नॉर्मल ऑफ द कर्व होता तो फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करते माइनस बाय एम। हाँ नॉर्मल अगर होता तो माइनस वाला फॉर्मूला एम निकाल के, और माइनस ये 24 है, माइनस 1/24 हो जाए। ओके सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व दोबारा सुन लो, होमवर्क में दो तरह का दूंगा, एक तो जो जिस टाइप के क्वेश्चन क्लास में होंगे, पहला होमवर्क तो वही होगा उसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क में, और दूसरा होमवर्क चैप्टर कंप्लीट होने के बाद असाइनमेंट एक साथ, और जो आज होमवर्क दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले मिल जाना चाहिए। Prove that the tangent to the curve, मैंने आपको भेज दिया अभी वाला, हाँ देखा, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन पहुंच गया वो जो मैंने चेक करा बाद में देखो, जिस चीज का होमवर्क रह रहा है वो भेज देना। x2 - 5x और हमारा कंप्लीट होमवर्क नहीं है, और जो रह गया उसको भी पूरा करना। मल्टीपल चॉइस वाला की थी तमाम सर, पूरा तो किया है मैंने सर, पूरा है, मल्टीपल चॉइस भी है सर, आपने जितना भेजा था उतना सारा है। ओके सर, जो दूसरी वाली इमेज है उसमें दो तीन क्वेश्चन वो कट हो गए हैं, दो तीन क्वेश्चन
हो गया, कट हो गया सर, उसमें ऊपर वो वॉल्यूम वाला आ गया ना, तो दो तीन क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं जो नहीं दिखाई दे रहा उसको छोड़ो, जो दिखाई दे रहा बस उसी को करो, क्वेश्चन तो बहुत सारे। ओके प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस। क्वेश्चन देने का मेन मीनिंग है रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए जिससे जो हम कर रहे हैं वो याद रहे। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट टू जीरो एंड 3 0 आर एट राइट एंगल्स। हाँ बताओ इसको कैसे करूं, इसमें भी दो है तो दो स्लोप इसका स्लोप निकालो, एक को m1 एक को m2, पहले तो उतना करो। राइट एंगल्स में फॉर्मूला यूज होना चाहिए m1 into m2 इक्वल टू माइनस वन, परपेंडिकुलर, राइट एंगल्स में परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, dy by dx एट 2 पे निकालो कितना आता है, क्योंकि हमें x का लेना है, y इसमें है नहीं, dy by dx एट 2 इसको कहेंगे m1, कितना आया बताना। फर्स्ट फाइंड dy by dx, फिर x को 2 पुट कर दो, कितना टाइम माइनस वन और वन आ रहे हैं। ओके माइनस वन, तो ठीक है माइनस वन सबका आ गया, माइनस वन एम वन की वैल्यू। अक्षत हाँ सर कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ ने हुआ या नहीं हुआ, कर रहा हूँ कितनी देर से कर रहा हूँ। हाँ सर हुआ। डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया 2x माइनस 5, अब x को 2 पुट कर दो माइनस 1, नेक्स्ट टाइम m2 निकालो, dy by dx सब 1 है at 3, ये कितना आ गया 1। यस सर। ओके अब m1 into m2 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 into 1 कितना होगा माइनस 1, एंड वी नो इफ m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 देन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, then perpendicular, perpendicular means right angle, right angle, and prove. अगर किसी को doubt है तो starting में ही पूछो, चुपचाप नहीं रहना है। Okay, now the next question. Find the slope sir, of rejoin कर लें। हाँ rejoin कर लें।